गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू अवर ऑडिट डिस्कशन सो स्टूडेंट्स आज से हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर नंबर फाइव है कापलांग की किताब से वो हम आज हम शुरू करने वाले हैं सो चैप्टर नंबर फाइव इज अबाउट द रिस्क जब भी हम यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं तो आप ये मान के चले वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओवरऑल ऑडिट रिस्क सो जब ऑडिटर किसी भी प्रकार का जब ऑडिट करने जाता है किसी भी एंटिटी का तो उसके सामने कई सारे रिस्क होते हैं जैसे ओवरऑल वी कैन से इट इज ऑडिट रिस्क बट ये ऑडिट रिस्क के लिए देर आर सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ रिस्क आल्सो, जिनको हम लोग कहते हैं इनहरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क डिटेक्शन रिस्क देन रिस्क ऑफ मटीरियल में ये सारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इन सभी रिस्क के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है क्योंकि हर एक टाइप का रिस्क क्या होता है उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रिस्क ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर के बेस के, बेस पर जो है आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है केस स्टडीज आपको पूछे जाते हैं जनरली लास्ट चैप्टर जब हम लोगों ने देखा था प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स वो सब जब हमने पढ़ा था तो so, उसमें भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में हम लोग हम लोगों ने पढ़ा था बट वो रिस्क क्यों अराइज होते हैं वो सारी चीजें हमने देखी थी लाइक इंटिमिडेशन रिस्क हा देन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स हा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स तो यहां पे जो रिस्क हम लोग बात कर रहे हैं लगभग उसी सेंस में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो बट यहां पे मोर स्पेसिफिकली हम लोगों को जो है डेफिनेशन वाइज चीजों को हम लोग देखेंगे सो लेट स्टार्ट विद द सेशन तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इस चैप्टर में हमारे क्या क्या सिलेबस है जो कि कापलान बुक से एज इट इज मैंने यहां पे लिया है सो दिस चैप्टर कवर सिलेबस एरियाज तो ये जस्ट आप इसको रीड करिएगा तो यहाँ पे ऐसा कोई समझाने जैसा कुछ भी नहीं है नाव यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है नाओ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बना हुआ है यहाँ पे हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है फिर उससे रिलेटेड देर आर सो मेनी थिंग्स ऑडिट रिस्क मटीरियालिटी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑफ द एंटिटी देन उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो बेसिकली अभी ये पर्टिकुलर चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जस्ट क्योंकि मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि किताब में भी ये स्टार्टिंग में गिवन है तो मैंने भी ये चार्ट इसी तरीके से ले लिया है बट वंस वी डन विद दिस चैप्टर सारे कंसेप्ट हम अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद ये पर्टिकुलर चार्ट जो है आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट रिस्क ये ऑडिट रिस्क बेसिकली होता क्या है ये हम समझते हैं वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर इज टू ओपटेन सफ़िशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल ये एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट जो कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 200 में आपको मिलेगा तो एज पर आई वन ऑफ़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑपटेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑडिटर की ये ऑब्जेक्टिव है कि वो सफिशियंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस को ओपटेन करे और उस एविडेंस की मदद से ध्यान देना स्टूडेंट्स उस एविडेंस की मदद से ऑडिटर क्या करेगा ही विल रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल तो यानी के विद द हेल्प ऑफ ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर इज गोइंग टू रिड्यूज द ऑडिट रिस्क ऑडिट रिस्क को हम कम करेंगे टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल अब सवाल यह होता है कि ये फिर ये क्या है, फिर ऑडिट रिस्क किसको कम करोगे मैं simple, पहले तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ऑडिट रिस्क क्या है फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेशन हम देखेंगे ऑडिट रिस्क का मतलब यह है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ फ्रॉड्स हुए हैं यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मटीरियल मिस स्टेटमेंट हैं और ऑडिटर यह कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं सो दिस इज द ऑडिट रिस्क क्योंकि जनरली क्या होता है जब ऑडिटर किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने जाता है तो हो सकता है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे असर्शन हैं कुछ ऐसे आइटम्स हैं जहां पे फ्रॉड हुआ है और जो फ्रॉड होता है जब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिलजुल करके फ्रॉड करता है तो एविडेंसेस को वो इस तरीके से प्रिपेयर करके पहले से ही आपके सामने रख देगा कि आप उस फ्रॉड को नहीं पकड़ सकते यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ियां हैं बट ऑडिटर कहता है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं तो स्टूडेंट्स इसी रिस्क को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क यहां पर ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट जो है स्टेटमेंट दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है बट ऑडिटर कहता है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि वहां पर जो है कुछ फ्रॉड हुआ है कुछ एविडेंसेस को इस तरीके से अरेंज करके रख दिया कि ऑडिटर जो है उन एविडेंसेस को देख करके सच मान बैठा तो अब आप पढ़ के देखिए यहां पे क्या लिखा है ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसिज एंड इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑडिटर कैसा ओपिनियन दे रहा है अप्रोप्रियट नहीं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है वेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस्टेटेड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियली मिस्टेटेड है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं और ऑडिटर कैसा ओपिनियन दे रहा है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है यानी कि ऑडिटर कह रहा है ऑडिटर इज गिविंग

ठीक ऑडिटर कभी यह नहीं बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑडिटर जो भी ओपिनियन देता है वो एविडेंस evidence, के पर देता है। और मैनेजमेंट को क्या पड़ी है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो गलत एविडेंस देने की मैनेजमेंट हो सकता है कि मैनेजमेंट कभी फ्रॉड करे और एविडेंसेस को ऐसे मैनिपुलेट करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ियां हैं ऑडिटर को उनके बारे में पता ना चले तो वेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर सेक्ट सो दिस इज दिस्क अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ऑडिटर यह कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है ऐसा कभी नहीं होता तो इसलिए स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखना यह एक स्टेटमेंट यहां पर लिखा जरूरी है वेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस्टेटेड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ियां हैं और ऑडिटर कैसा ओपिनियन दे रहा है इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है यानी कि ऑडिटर क्या कह रहा है यहां पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो ये ऑडिट रिस्क होता है अगर मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस्टेटेड

risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. this means that they give an unmodified audit report. see, inappropriate opinion, matlab, auditor casa opinion, there hai? unmodified audit opinion, there are. ना तो ये एक मैंने डायग्राम यहां पर इनपोर्ट किया है तो अभी ऑडिट रिस्क ऑडिट रिस्क ओवरऑल क्या है क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग बिल्कुल वन बाई वन हम लोग चलेंगे आप लोग कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखते जाना नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ऑडिट रिस्क ओवरऑल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंड ऑडिटर सेज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू देन इट इज द ऑडिट रिस्क। नाउ ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट्स हैं पहला है इनहरेंट रिस्क दूसरा है कंट्रोल रिस्क एंड तीसरा है डिटेक्शन रिस्क नाउ स्टूडेंट्स अब इन तीनों चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो पहले तो मैं आपको यहीं पे चीजों को समझा देता हूं फिर उसके बाद वन बाय वन जो है हम लोग इन सभी कंपोनेंट्स को देखेंगे व्हेन आई से इनहरंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इन दोनों को मिलाकर के हम कह देते हैं आर एम एम यानी कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इनहरंट रिस्क ये इनहरंट रिस्क क्या होता है इनहरेंट रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जो पहले से ही किसी बिजनेस में या फिर किसी एंटिटी में होता है स्टूडेंट्स आप ऐसे मान के चलिए इनहरंट रिस्क इज द रिस्क दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी उस एंटिटी का कुछ नेचर ही ऐसा है कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होने के चांसेस हैं एक इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं इससे आपको क्लियर हो जाएगा इनहरंट रिस्क क्या होता है जैसे मान लीजिए आप एक होटल का ऑडिट करने जा रहे हैं होटल बिजनेस में देर आर सो मेनी इनहेरेंट रिस्क जैसे मान लीजिए जब आप होटल बिजनेस में रहते हैं तो होटल बिजनेस में आप अपने होटल के कमरों में एक तो पहली बात है कि आप सीसीटीवी कैमरास आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो प्राइवेसी हैम्पर होती है तो होटल के कमरों में आप सीसीटीवी कैमरास नहीं लगा सकते तो जब आपके कस्टमर्स आते हैं वो होटल के कमरे में स्टे करते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ जो छोटे मोटे जो आइटम है जैसे मान लो होटल में कोई साबुन है या कोई तोलिया है या कोई और छोटी मोटी जो सामान है वो चोरी करके अपने बैग में डाल करके वो लेके जा सकता है तो क्या आप अपने कस्टमर को गेट पे रोक करके उनके बैग्स को आप चेक करोगे आप चेक नहीं कर सकते क्यों चेक करोगे तो रेपुटेशन एट स्टेक है और दोबारा वो कस्टमर अगर मान लो उस कस्टमर ने कोई चोरी नहीं की वो कस्टमर की कोई गलती नहीं है तो क्या वो ऑफेंड फील नहीं करेगा उसको बुरा नहीं लगेगा क्या वो दोबारा आपके होटल में आएगा कभी नहीं आएगा तो इसलिए यहां पर होटल बिजनेस में आप ये मान के चलो कि यहां पर जो है स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं तो इस प्रकार का जो रिस्क है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते उस प्रकार के रिस्क को स्टूडेंट्स हम लोग जो है जनरली इनहरंट रिस्क कह देते हैं तो ठीक है तो फिर यहां पर हम कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो भी स्टॉक है वो लिमिटेड क्वांटिटीज में ही आप इश्यू करो तो कुछ और चीजें हम यहां पे लगा सकते हैं अब एक और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं इनहरंट रिस्क का जैसे मान लीजिए द नेचर ऑफ द एंटिटी ऐसा है जैसे मान लीजिए आपका कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर आप उनको बेचते हैं मान लेते हैं कि आपने एक नदी के किनारे एक आ, काफी बड़ा सा प्लॉट आपने खरीदा और वहां पर आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया और उसी समय उस देश की जो जिस कंट्री में भी आप ये काम कर रहे हैं वहां की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकालती है और वो बोलती है कि नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है तो एकदम से आपने जो भी लैंड खरीदा था आपका बिजनेस जो है बिल्कुल एट लॉस में भी वो जा सकता है यानी कि कभी भी गवर्नमेंट के डिसीजन आ सकते हैं तो इस प्रकार की चीजों को जो है हम लोग इनहरेंट रिस्क हम लोग बोल सकते हैं एक और example ले लेते हैं अगर मान लीजिए आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप डील करते हैं तो यहां पर जब आप फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो फॉरेन करेंसी में जब भी कोई फ्लक्चुएशन होते हैं तो उससे भी आपको प्रॉफिट या लॉसेस होने के चांसेस होते हैं तो वहां पर भी कुछ इनहरेंट रिस्क अवेलेबल होते हैं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होने के चांसेस आपके हमेशा वहां पे रहते हैं एंड uh, एक और रिस्क की हम लोग इसमें बात कर सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बैंक का ऑडिट करने जाते हैं तो बैंक में देर आर सर्टेन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो जब भी कोई परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट होता है तो बैंक्स को जनरली प्रोविजन क्रिएट करने पड़ते हैं बट हो सकता है कि बैंक जो है वो प्रोविजन क्रिएट ना करे क्योंकि अगर आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो जनरली अगर आप बैंक का ऑडिट करने जाते हो तो यहां पर एक हमेशा रिस्क ज्यादा बना रहता है तो वहां पर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए तो कहने का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द एंटिटी हर एंटिटी अलग अलग होती है और उस हर एंटिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होने के जो है चांसेस रहते हैं तो उस रिस्क को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं इनहरंट रिस्क जिसको आप कंट्रोल में एक तरीके से नहीं कर सकते वो रहता ही रहता है दोस्तों ये तो हो गया इनहरंट रिस्क अब दूसरी हम बात करते हैं कंट्रोल रिस्क कंट्रोल रिस्क का ये मतलब होता है कि आपने अपने एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स को लगा दिया हम इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाते हैं हम इंटरनल कंट्रोल्स इसलिए अपनी एंटिटी में लगाते हैं मैनेजमेंट लगाता लगाता है क्यों लगाता है क्यों ताकि किसी फ्रॉड या फिर एरर को रोका जा सके इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बावजूद भी अगर आप कोई फ्रॉड और एरर को नहीं रोक पाते हो देन इट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स में भी कई सारी कमियां होती हैं ठीक है आपने एक एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स आपने लगा दिया क्या जरूरी है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को हमेशा फॉलो करें हो सकता है कि मैनेजमेंट उन इंटरनल कंट्रोल्स को थॉरोली फॉलो नहीं कर रहा हो, हो सकता है कि मैनेजमेंट उन इंटरनल कंट्रोल्स को कभी भी ओवरराइड कर सकता है तो इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल्स होने पर भी अगर आप किसी ना किसी रीजन से फ्रॉड और एरर को रोक नहीं पा रहे हो देन इट इज कॉल्ड इंटरनल देन इट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू स्टॉप द फ्रॉड और एरर तो इंटरनल कंट्रोल्स से जो बच जाता है फ्रॉड और एरर दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल रिस्क तो ये दोनों मिलकर के इनहरंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इन दोनों को मिलाकर के स्टूडेंट्स हम कह देते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट तो ये इन दोनों को ओवरऑल रिस्क को हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिटेक्शन रिस्क अब ये डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो वो कई सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों लगाता है ताकि उसको एविडेंस मिले और उस एविडेंस के पर ऑडिटर जो है उस फ्रॉड या फिर उस एरर को डिटेक्ट कर सकता है नाउ व्हाट इज दिस डिटेक्शन रिस्क डिटेक्शन रिस्क वो रिस्क होता है कि जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है किसी फ्रॉड को या फिर किसी एरर को पकड़ने के लिए बट वो उस फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है यानी कि जिस ऑडिट प्रोसीजर को आपने लगाया उस प्रोसीजर की मदद से आप फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए देन दैट इज कॉल्ड द डिटेक्शन रिस्क जैसे मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं डिटेक्शन रिस्क क्या होता है आप चाहते हैं कि एंटिटी में जो बैंक बैलेंस है वो कितना है आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप मैनेजमेंट से पूछ लो या तो फिर डायरेक्टली जाकर के बैंक अथॉरिटी से आप पूछ लो मैनेजमेंट ने आपको बताया कि भाई हमारा जो बैंक बैलेंस है दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर है बट आपको डाउट हुआ कि नहीं यार मैनेजमेंट हो सकता है झूठ भी बोल सकता है बट आप जो है बैंकर के पास जाकर के बोल सकते पूछते हो और हो सकता है मैनेजमेंट और बैंकर इन दोनों में मिली भगत हो मैनेजमेंट ने पहले से ही बैंकर को बता के रखा है कि भाई अगर हमारा ऑडिटर आएगा तो तुम उसको ट्वेंटी थाउजेंड ही बैंक बैलेंस बताना और हो सकता है कि यहां पर ऑडिटर जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने जाता है बैंक के पास और बैंक भी कह दे कि यस द बैंक बैलेंस इज ओनली ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां पर आपने क्या किया यहां पर आपने एक ऑडिट प्रोसीजर लगाया दैट मीन्स यू आर अंडरटेकिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन बट उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन के कारण भी आप फ्रॉड को नहीं पकड़ पाए यानी कि समटाइम्स वॉट एवर द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर इज अडॉप्टिंग दे आर नॉट इनफ टू डिटेक्ट द फ्रॉड और द एरर, देन दैट रिस्क इज कॉल्ड द डिटेक्शन रिस्क तो यहां तक स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है

इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनहरेंट रिस्क इन टू कंट्रोल रिस्क इट इज नियल स्टेटमेंट वेन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट इज हाई दैट मीनस द डिटेक्शन रिस्क विल बी लो अभी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वेन इनहरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क बोथ आर हाई द डिटेक्शन रिस्क विल बी लो यू कैन से वेन इनहरंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज लो देशन रिस्क विल बी हाई तो इनहरंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को हम लोग जो है रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट भी कह देते हैं तो यह जो स्टेटमेंट अभी जस्ट मैंने आपको बताई है स्टूडेंट तो ये कैसे है इसको मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर उसके बाद जो है हम थ्योरी पार्ट में जाएंगे नाउ सी अगर मान लीजिए एक एंटिटी में इनहरेंट रिस्क ज्यादा है एक एंटिटी में जब एक मान लीजिए एक ऑडिटर एबीसी लिमिटेड का ऑडिट करने जाते हैं तो वहां पर इनहरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ये दोनों ज्यादा लेवल पर हैं, इनहरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क बोथ आर हाई यानी कि ऑडिटर का यह मानना है कि इस एंटिटी में इनहरेंट रिस्क ज्यादा है और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है यानी कि यहां पर फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी कि यहां पर इंटरनल कंट्रोल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है तो यहां पर फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा है जब ऑडिटर को जब यह बात पता चली कि इस एंटिटी में इनहरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क दोनों ज्यादा हैं तो ऑडिटर को इससे ये कंक्लूजन निकालता है कि भाई यहां पे फ्रॉड्स होने के ज्यादा चांसेस हैं तो जब ऑडिटर को पता चल गया कि यहां पे फ्रॉड्स होने के ज्यादा चांसेस हैं तो ऑडिटर क्या करेगा स्टूडेंट्स ऑडिट एफर्ट ऑडिटर क्या करेगा ऑडिट एफर्ट ज्यादा लगाएगा यानी कि ज्यादा मेहनत करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर क्या करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को इंक्रीज कर देगा ऑडिटर को पता है कि यहां पे फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस हैं तो मुझे बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा मुझे अपने जो ऑडिट टीम को समझाना पड़ेगा कि भाई यहां पे रिस्क है आप सभी बिल्कुल ध्यान से काम करिए हर चीज को जो है शक की निगाह से देखिए उसके एविडेंसेस प्रॉपरली आप ऑप्टेन करिए तो ऑडिटर ने यहां पे एफर्ट ज्यादा लगाया ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पे ज्यादा लगाए उससे ऑडिटर को क्या मिला स्टूडेंट्स एविडेंसेस उससे ऑडिटर को खूब सारे एविडेंसेस मिले जब ऑडिटर को खूब सारे एविडेंसेस मिलेंगे, जब ऑडिटर पहले से ही सतर्क हो जाएगा और खूब सारे ऑडिट एविडेंसेस लगा करके सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगा तो उस समय ये जो डिटेक्शन रिस्क है ना स्टूडेंट्स, ये फिर आपका जो है कम हो जाएगा क्योंकि जब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा होने पर ऑडिटर मेहनत करेगा ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाएगा तो उस सिचुएशन में यह चांसेस बहुत कम है क्योंकि अगर मान लो बैंक बैलेंस पता करना है तो ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट से भी पूछेगा बैंक अथॉरिटी से भी पूछेगा या फिर जो भी मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी मीटिंग में जो भी डिसीजन वगैरह हुए हैं उनको भी चेक करेगा या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी चेक करेगा तो ऑडिटर को जब पता है कि भाई यहां पर बैंक बैलेंस में गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, तो ऑडिटर ने खूब सारी मेहनत करी जब खूब सारी मेहनत करी तो ऑडिटर को सफिशियंट एंड ऑडिट एविडेंस मिल गए तो उससे जो डिटेक्शन रिस्क है कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाए और फ्रॉड को ना पकड़ पाए ये रिस्क फिर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कम हो जाता है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क में इनवर्स रिलेशनशिप होता है अब इसी को हम लोग मान लो रिवर्स कर लेते हैं इसी सिचुएशन को आप रिवर्स करके देखिए इसी को हम लोग जो है रिवर्स करके समझते हैं नाउ सी व्हेन इनहरंट रिस्क इज लो इनहरंट रिस्क कम है कंट्रोल रिस्क भी कम है यानी कि ऑडिटर ने पहले ही दिमाग बना लिया कि भाई यहां पर इस एंटिटी में इंटरनल बहुत है, कोई ओवरराइड नहीं करता है इंटरनल कंट्रोल इतने बढ़िया हैं कि सारे फ्रॉड्स वगैरह एरर्स होने के चांसेस बहुत कम है तो ऑडिटर जब उसका पहले से ही माइंड मेकअप कर लेता है कि यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस इज लेस जब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लेस है तो ऑडिटर सोचेगा कि यार हर एक आइटम को मैं क्यों चेक करूं वैसे भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है एक काम करते हैं थोड़ा बहुत उठा लेते हैं यानी कि थोड़ा बहुत सैंपल उठा करके सैंपल को चेक करते हैं यानी कि यहां पर ऑडिट एफर्ट यहां पर जो ऑडिट एफर्ट है यह कम लगेगा यानी कि ऑडिट प्रोसीजर्स भी कम लगेंगे यानी कि एविडेंसेस भी कम लगेंगे जब ऑडिट एफर्ट कम लगेगा प्रोसीजर्स भी कम लगेंगे एविडेंसेस भी कम मिलेंगे तो चांसेस हैं फ्रॉड होने के फिर बढ़ जाते हैं क्योंकि अब जैसे वही बैंक वाला केस मान लेते हैं आपको बैंक बैलेंस को चेक करना है तो ऑडिटर ने सोचा यार सब बढ़िया है मैनेजमेंट बहुत ईमानदार है तो ऑडिटर सीधा जाएगा मैनेजमेंट से पूछेगा सर बताइए बैंक बैलेंस कितना है अच्छा ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर है ठीक है वो फिर उसको तो टिक कर लेगा ओके बट हो सकता है कि बैंक से पता करने से आपको पता चलता कि भाई यहां पे तो ट्वेंटी नहीं है यहां पर केवल टेन थाउजेंड डॉलर ही है तो क्योंकि ऑडिटर ने कम एफर्ट लगाए तो ऑडिटर को एविडेंसेस भी कम मिले और ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं तो चांसेस है कि उनकी वजह से वो जो है फ्रॉड को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा तो इस केस में यहां पर डिटेक्शन रिस्क जो है यह बढ़ जाता है तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क और ये सभी कंपोनेंट्स के मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दिए हैं अब हम वन बाय वन जो है इनके डेफिनेशन uh, हम देखते हैं नाउ सी ऑडिट रिस्क कंपराइजर्स द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क ये आज बात बताई गई है कि ऑडिट रिस्क जो है ऑडिट रिस्क में RMM, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोल देंगे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क फिर आगे लिखा है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड ऑडिट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट यह डेफिनेशन यहां पर क्योंकि मैंने अभी दो चीजें आपको अलग अलग समझाई है रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट अब यह रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है ऑडिटर के सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए कि भाई तुम इसका ऑडिट करो अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट करने से पहले ऑब्वियस ही बात है ऑडिट आपने अभी तक ऑडिट नहीं किया है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस हैं तो वो जो फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस हैं उसी को हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है अगर मान लीजिए इनहरंट रिस्क अगर कम है कंट्रोल रिस्क अगर कम है यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड एंड इनहरेंट रिस्क इज लेस तो उस उस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट भी कम है यानी कि ऑडिट अभी तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं किया है यानी कि बिफोर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट द रिस्क दैट द फ्रॉड्स एंड एर विल बी देयर दैट इज द लेस अब पढ़ के देखिए रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस्टेटेड प्रायर टू दिन रिस्क कम है कंट्रोल रिस्क कम है दोनों रिस्क अगर कम है तो यहां पर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट भी कम है इफ इनहर एंड कंट्रोल रिस्क इज मोर देन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट विल ऑल्सो बी मोर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट ना नेक्स्ट पैरास में लिखा है दिस विल बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर्स ये जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स होते हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी जो गड़बड़ियां होती हैं वो क्यों होती हैं वो फ्रॉड्स और एरर्स के कारण होती हैं फ्रॉड्स और एरर्स अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर वेन ट्रांजेक्शंस हैव बीन प्रोसेस्ड और वेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर तो ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कह लो या फिर मटेरियल में इसीलिए होती हैं जब पिछले साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जा रहा था तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते समय कई सारे फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस रहते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम मैंने और यहां पर आपको दिया है इसको भी हम समझते हैं देखिए इनहरंट रिस्क का मतलब होता है कि हर एक एंटिटी में रिस्क तो होते ही हैं फ्रॉड्स होने के चांसेस तो होते ही हैं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कैशियर आपने अपॉइंट किया तो कैशियर जब आप अपॉइंट करते हैं तो रिस्क तो रहेगा ही कि हो सकता है किसी दिन वो कैशियर वो कैश लेकर के भाग जाए तो ये रिस्क इज ऑलवेज देयर सो सच टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड इनहरंट रिस्क तो उस इनहरंट रिस्क को रोकने के लिए हम लोग क्या कोशिश करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स हम लगा देते हैं जैसे मान लीजिए इनहरंट रिस्क Errors likely to occur in clients' financial statements. क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां होने के चांसेस हमेशा रहते हैं वो इनहरेंट है हो सकता है कि आपने सेल्स को इन्फ्लेट कर दिया डिफ्लेट कर दिया परचेज को ज्यादा या कम करके शो कर दिया हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट तो है बट फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए वहां पर एसेट नहीं है तो ये इनहरेंट रिस्क तो होते ही होते हैं तो इन, इन, इन रिस्क को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स लगा देते हैं बट इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बावजूद भी कई बार फ्रॉड्स और एरर्स होते हैं स्टूडेंट्स यही बताया गया है जब इनहरेंट रिस्क होता है जब गड़बड़ी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तो मैनेजमेंट क्या करेगा इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगा और मान लो वो इंटरनल कंट्रोल्स ठीक नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल्स ने काफी हद तक फ्रॉड और एरर को रोका है बट इंटरनल कंट्रोल्स के होने के बावजूद भी कुछ एरर्स को जो है वो नहीं रोक पाया यहां पर लिखा है एरर्स दैट बाईपास कंट्रोल्स वो एरर्स वो फ्रॉड्स जिसको कि इंटरनल कंट्रोल नहीं रोक पाया या फिर उसको हम बोल सकते हैं एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय कंट्रोल्स। देखिए यहां पे दो तरीके से है एक तो यहां से पानी निकल रहा है और एक यहां से निकल रहा है इसको हम बोल देंगे एरर्स दैट बाईपास कंट्रोल मतलब वो एरर्स कंट्रोल के नजरिए में आया ही नहीं मतलब कंट्रोल उसको पकड़ ही नहीं पाया और ये एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स लगाए हैं बट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर यहां से और भी ज्यादा फ्रॉड्स वगैरह होंगे फिर डिटेक्शन रिस्क भी हमेशा रहता ही है स्टूडेंट्स सीधी सी बात है जितना ज्यादा इनहरंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इनहरंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क

वो कभी ये नहीं बोल सकता कि मैंने सारे के सारे फ्रॉड्स और एरर्स को रोक दिया इसलिए डिटेक्शन रिस्क भी कुछ ना कुछ जरूर रहता है और इस तरीके से फाइनली आपका जो है ऑडिट रिस्क यानी कि एरर्स बाय ऑडिटर वो एरर्स जो कि ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया नाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट थ्री वन रिवाइज आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस through understanding the entity and its environment states isa 315 हमें यह कहता है कि ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए और साथ ही साथ उनको जो है एसस भी करना चाहिए कैसे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट नाउ स्टूडेंट्स जब भी अब आपके दिमाग में यह वर्ड आ जाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये वर्ड जैसे ही दिमाग में आपके आ जाएगा जैसे मान लो रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट तो सीधा दिमाग में दो चीजें लेकर आना एक हम बात कर रहे हैं इनहरेंट रिस्क की और दूसरी हम बात कर रहे हैं कंट्रोल रिस्क की क्योंकि ऑडिटर अगर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट को जानना चाहता है तो ऑडिटर को इनहरेंट रिस्क के बारे में भी जानना पड़ेगा एंड कंट्रोल रिस्क के बारे में भी जानना पड़ेगा इनहरेंट रिस्क को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस एंटिटी को समझना पड़ेगा और कंट्रोल रिस्क को जानने के लिए उन इंटरनल कंट्रोल्स को समझना पड़ेगा तो आईएसए 315 ये कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई

एसेट्स का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गया या फिर उसका जो है टाइटल हो गया वो सारे लेवल कैसे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी रिस्क को समझना है तो आपको एंटिटी को समझना पड़ेगा एंड इट्स एनवायरमेंट एंटिटी और उस, वो एंटिटी कैसे एरिया में काम कर रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट लॉज कैसे काम करते हैं फॉरन एक्सचेंज लॉज कैसे काम करते हैं तो वो एनवायरमेंट भी समझना पड़ेगा इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल तो क्योंकि जब आप एंटिटी को समझते हैं देन यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल इनहर रिस्क एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल रिस्क तो उसके लिए आपको एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझना पड़ेगा देयर बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग नाउ यहां से इंपॉर्टेंट देयर आर बाई प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रेस्पॉन्स टू द एसे रिस्क ऑफ मटेरियल मे स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आई एस ए थ्री वन फाइव क्या कहता है आई एस ए देखो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं आई एस ए थ्री वन फाइव कहता है कि ऑडिटर की यह जिम्मेदारी है कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझने के लिए ऑडिटर को इन दो चीजों को समझना पड़ेगा इनहरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क रिस्क को समझना है तो ऑडिटर को उस एंटिटी का नेचर वो एंटिटी कैसी है और उसका एनवायरमेंट क्या है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के अपने अलग से इनहरेंट कंट्रोल होते हैं एंड अगर आप होटल बिजनेस जाएंगे तो उनके अपने अलग से इनहेरेंट कंट्रोल्स हैं अगर आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर इनहरंट कंट्रोल्स हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में जो भी खाने पीने का सामान हो सकता है कि हो सकता है कि स्टाफ ही उसको जो है गायब कर दे तो देर आर सो मेनी थिंग्स तो पहले आप एंटिटी को समझिए और साथ ही साथ उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को भी समझिए जब आपने एंटिटी को समझा उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को दोनों को अच्छे से समझा और ऑडिटर इस नतीजे पे आया कि भाई इस एंटिटी में इनहेरेंट रिस्क भी कम है और कंट्रोल रिस्क भी मतलब इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे से हैं तो कंट्रोल रिस्क भी कम है सो व्हेन इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क बोथ आर लो दैट मींस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज लेस यानी कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ियां होने के चांसेस कम है तो ऐसे में फिर ऑडिटर क्या करेगा खूब सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा या कम लगाएगा कि ऑडिटर ऑडिट एफर्ट बढ़ाएगा या कम करेगा ऑब्वियस सी बात है वो ऑडिट एफर्ट कम करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को फिर वो कम लगाएगा तभी तो बताया यहां पे कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट को समझने के बाद देअर बाई प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग तब जाकर के ऑडिटर जो है इसके बेसिस पर डिजाइन करेगा डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्स यानी कि ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करेगा और उन ऑडिट प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करेगा टू द एसे रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट उस रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया है यह टॉपिक आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहां पे एक चार्ट मैंने और यहां पे दिया है आ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट इज इक्वल टू इनहरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क देखिए इस तरफ हमारा है कंट्रोल रिस्क और इस तरफ है हमारा इनहरेंट रिस्क सीधी सी बात है अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है मान लीजिए कंट्रोल रिस्क बिल्कुल हाई है एंड इनहरंट रिस्क भी बिल्कुल हाई है तो ये दोनों कहां पर जाके मीट होंगे यहां पर तो लाइक दिस

डिटेक्शन रिस्क कम डाउन डिटेक्शन रिस्क फिर आपका कम हो जाएगा अगर मान लीजिए कंट्रोल रिस्क टू है देन इनहेरेंट रिस्क भी टू है तो फिर ये ओवरऑल मॉडरेट कंट्रोल रिस्क टू है इनहेरेंट रिस्क थ्री है तो फिर ये हाई तो वेरी हाई 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 मॉडरेट लो वेरी लो इफ कंट्रोल रिस्क इज लो इनहरेंट रिस्क इज लो द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑल्सो विल बी लो तो इस तरीके से ये पिक्टोरियल पिक्चर मैंने यहां पे शो करी है एंड आई होप इससे आपको और क्लैरिटी आई होगी नाउ नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है स्टूडेंट वॉट इज मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट आम भाषा में समझना है मिस स्टेटमेंट क्या है मिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट गड़बड़ी और कुछ भी गड़बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो ए, उसको हम लोग मिस स्टेटमेंट बोलते हैं और ये मिस स्टेटमेंट क्यों होता है या तो गलती से होता है या तो एरर से होता है या फिर फ्रॉड से होता है सो मिस स्टेटमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ आइदर फ्रॉड और एरर सो पढ़ के देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या क्या चीजें आती हैं एक तो ये लास्ट वाला लाइन देखिए कैन फ्रॉम एरर और फ्रॉड मिस स्टेटमेंट जो भी जन्म लेती हैं अराइज होती हैं वो दो कारणों से या तो एरर के कारण या फिर फ्रॉड के कारण देखिए क्या लिखा है अ डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड अमाउंट अब इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स एक तो आप इसको यहां से यहां तक पहले पढ़ेंगे अ डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड अमाउंट रिपोर्टेड अमाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट जैसे मान लो सेल्स की अमाउंट लिखी है जैसे फॉर करंट नहीं, नहीं मानना या फिर रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए एंड और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड अमाउंट फिर से वही वो वर्ड्स आ गए एंड द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो इनके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सेल्स अमाउंट होनी सेल्स uh, अमाउंट होनी चाहिए थी कितनी ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर का सेल्स अमाउंट होना चाहिए था क्योंकि एज पर द ट्रांजेक्शन क्योंकि एफ आर एफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है जो भी सेल्स ट्रांजेक्शन है सभी के सभी ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है एंड कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है सेल्स ट्रांजेक्शन सेल्स अमाउंट कितना होना चाहिए था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर होना चाहिए था बट एक्चुअल में है कितना एक्चुअल में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली कितना शो किया गया है फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर शो किया गया है यानी कि जो फाइव थाउजेंड का जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड द मिस स्टेटमेंट नाउ सेल्स ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर होना चाहिए यह कौन बता रहा है यह कह रहा है इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेल्स शुड बी ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर

थॉरो थॉरोसेमेंट ऑफ रिस्क ऑडिटर्स विल एबल टू अगर ऑडिटर रिस्क को थॉरोली एसेस करते हैं मतलब एंटिटी में कितना रिस्क है जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझते हैं तो उसे ऑडिटर विल बी एबल टू पहला आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर मिस आर लाइकली टू अकर अर्ली इन द ऑडिट आप ऑडिटर हैं आप होटल का ऑडिट करने जाते हैं तो होटल के बिजनेस को समझते हैं देखिए स्टूडेंट्स अब मैं यहां पे कोरिलेट कर रहा हूं यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर पर होटल यू गो टू द होटल एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ द होटल यानी कि आप उस होटल यानी कि यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट वेन यू गेट टू नो अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट यू डिसाइड अबाउट द इनहरेंट रिस्क एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो लुक फॉर द इंटरनल कंट्रोल को भी देखोगे फिर इंटरनल कंट्रोल ठीक से है या नहीं है इसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि कंट्रोल रिस्क कितना है जब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई जिस एंटिटी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं वहां पर मिस स्टेटमेंट कहां कहां पर होने के चांसेस हैं जैसे मान लीजिए आप बैंक का ऑडिट करने जाते हैं तो बैंक में जो कैशियर है वो फिजिकल काउंटिंग कर रहा है कैश का उसके पास मशीन नहीं है तो फिर आप सोचोगे यार ये तो फिजिकल काउंटिंग कर रहा है मशीन से तो ये काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो यहां पर कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली जो है वो लिमिटेड है आपको मतलब इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट हियर तो आपको एक काउंटिंग मशीन भी रखनी चाहिए तो फिर यहां पे जो है गड़बड़ी होने के चांसेस आपको पहले ही पता चल जाएगा तो ऑडिटर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर मिस स्टेटमेंट्स आर लाइकली टू अकर अर्ली इन द ऑडिट तो ऑडिट से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि यहां पर गड़बड़ी होने के चांसेस हैं यहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस हैं और फिर उस हिसाब से आप खूब सारे ऑडिट एफर्ट लगाओगे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे एविडेंस ऑप्टेन करके फ्रॉड और एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे और जब ऑडिटर को अब ये सारे इंटर रिलेटेड है वेन ऑडिटर आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ मिस्टेटमेंट आर लाइकली टू अकर देन ही विल प्लान द प्रोसीजर्स

reduce the risk of uh, issuing an inappropriate audit opinion to an acceptable level. Uh, starting with students, maine aapko bataya tha ki there is a concept called audit risk. Audit risk का मतलब क्या है? जब financial statements में गड़बड़ियां हैं और auditor ये कह दे कि financial statements बिल्कुल ठीक हैं, ये risk है। तो auditor अच्छी तरीके से audit करने के बाद ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करेगा एफिशिएंट फोकस्ड एंड इफेक्टिव ऑडिट करने के बाद वो इस ऑडिट रिस्क को कम कर देता है टू अ एक्सेप्टेबल लेवल उसको जो है कम कर देगा क्योंकि अगर आपके पास सारे एविडेंसेस हैं आपने मेहनत से अपना काम किया है तो ये जो चांस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी है और आप कह दो कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है ये चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक कम हो जाते हैं नेक्स्ट वन इज मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रेप्युटेशनल एंड प्युनेटिव डैमेज रेप्यूटेशन ऑब्वियसली बात है आप बढ़िया से काम करेंगे तो आपका रेप्यूटेशन भी फिर डैमेज नहीं होगा नाउ इसी मिस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये जो मिस स्टेटमेंट्स हैं देर आर बेसिकली थ्री कैटेगरीज ऑफ मिस्टेटमेंट्स आर देयर मिस स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो गड़बड़ियां होती हैं वो तीन प्रकार से होती है मतलब ऑडिटर को जब भी मिसमेंट मिलते हैं वो तीन प्रकार के होंगे पहला है फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर इज हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट कि भाई यहां पे गड़बड़ी है अ अस्टेटमेंट अबाउट विच देर इज नो डाउट ऑडिटर को लगता है कि नहीं सेल्स फिगर गलत है सेल्स फिगर ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर होना चाहिए बट आपने केवल फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर ही शो किया है आई हैव आई हैव आई एम हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट अबाउट इट तो जहां पर ऑडिटर कोई डाउट नहीं होता है उसे हम कहते हैं फैक्चुअल मिस्टेटमेंट या फिर ऑडिटर यह कह दे कि भाई एज पर द लॉ आपने जो है ट्रीटमेंट नहीं किया है अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करा है तो यहां पर भी गड़बड़ी है और उसमें ऑडिटर को कोई डाउट नहीं होता है दिस इज कॉल्ड द फैक्चुअल मिस्टेटमेंट दूसरा होता है जजमेंटल मिस्टेटमेंट A difference in an accounting estimate that auditor considers unreasonable or the selection or application of accounting policies that the auditor considers appropriate. मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करे या फिर अप्लाई करे जब ऑडिटर को लगता है कि नहीं मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करी है वो ठीक नहीं है देन इट इज द जजमेंटल क्योंकि मैनेजमेंट बोलेगा भाई हमारे हिसाब से तो हमें यह ठीक लगी बट ऑडिटर बोलेगा कि नहीं भाई हमारे हिसाब से तो यह अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं है ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना दिया मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मान लो थर्टी थाउजेंड डॉलर बनाया है बट ऑडिटर को लगता है कि नहीं मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर बैड डेट जो बनाया है वो केवल थर्टी थाउजेंड डॉलर है बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर मैनेजमेंट को जो है फोर्टी थाउजेंड डॉलर का प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए यानी कि जो टेन थाउजेंड का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड जजमेंटल मिस स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट अ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज द ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टोटल मिस स्टेटमेंट इन अ पॉपुलेशन थ्रू द प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन अ सैंपल इसको स्टूडेंट एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूं जैसे मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं और उस दुकान में एक चावल की बोरी है अब इस चावल में काफी सारी चीजें हो सकती हैं गड़बड़ चीजें हो सकती हैं हो सकते हैं कि चावल में कंकड़ हो या मिट्टी हो कुछ भी इसमें मिलावट हो सकती है तो ऑडिटर क्या करेगा उस चावल की पूरी बोरी को एक एक दाने को चेक नहीं करेगा ऑडिटर विल गो ही विल सिंपली सम सैंपल वो थोड़ा सा चावल लेगा और उस चावल को देखेगा और अगर उस थोड़े से सैंपल में अगर उसे कोई पत्थर कोई गड़बड़ी नहीं लगती है तो फिर ऑडिटर क्या बोलेगा नहीं ये पूरे के पूरे चावल की बोरी बिल्कुल ठीक है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है यानी कि ऑडिटर सैंपल के बेसिस पर टोटल पॉपुलेशन के बारे में एक एस्टिमेट दे रहा है ना अब पढ़ के देखिए आप आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट अ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज द ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टोटल मिस्टेटमेंट इन अ टोटल अलेशन में कितनी गड़बड़ियां होंगी कैसे ऑडिटर दे रहा है थ्रू द प्रोजेक्शन ऑफ मिस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन अ अंपल अब जैसे मान लो ऑडिटर ने एक मुठ्ठी चावल लिए अब उस एक मुठ्ठी चावल में मान लो सौ दाने आते हैं और उन सौ दानों में ट्वेंटी जो थे वो पत्थर थे तो ऑर्डर फिर पूरा उस पॉपुलेशन के बारे में बोल देगा कि भाई यहां पे ट्वेंटी परसेंट की जो है गड़बड़िया होने के चांसेस हैं सो दिस इज द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट नाउ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट कंप्राइजेस रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा चुका हूं स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं यहां पे इनहर रिस्क अब मैंने आपको ऑलरेडी इनहरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क वैसे तो मैंने समझा दिया है अब हम इसको जो है किताब से पढ़ के देखते हैं इनहरेंट रिस्क क्या होता है इनहरंट रिस्क इज द दिलिटी ऑफ एन एसर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कोई भी ट्रांजेक्शन हो या फिर कोई अकाउंट बैलेंस हो या फिर कोई डिस्कलोजर हो टू मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल बिफोर देखिए स्टूडेंट्स वैसे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैंने क्या बताया कि इनहरेंट रिस्क वो रिस्क होता है जो हर एक एंटिटी में होते ही है मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दैट एंटिटी इज लाइक दैट देर आर सर्टेन मिस स्टेटमेंट दैट कैन अकर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अगर आप एक बैंक का ऑडिट करने जाते हैं तो बैंक में प्रोविजन फॉर uh, जो डाउटफुल डेट्स हैं या फिर प्रोविजन फॉर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वहां पे गड़बड़ी होने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर बैंक में जो कैशियर कैश काउंट करता है मतलब कैशियर के पास जो है खूब सारा कैश की कस्टडी होती है हो सकता है कि वहां पे वो कुछ घपला कर दे तो ये रिस्क है ये इनहरंट रिस्क है बट उस इनहरेंट रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं अगर आप रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से लगा दोगे आपने खूब सारे कंट्रोल्स लगा दिए उस कैशियर के ऊपर कि भाई तुम्हें कैश काउंट करते समय एक बार जो है मैन्युअली काउंट करोगे दूसरी बार जो है तुम मशीन से काउंट करोगे और अगर तुम्हारे पास मान लो आ, कोई भी फिगर हम मान लें जैसे मान लो इफ यू वर एबल टू कलेक्ट ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर ऑफ द कैश फिर उसको जो है आपने जाकर के सेफ जो है मतलब आ, केस में जो है आपको उसको लॉक करके रखना है आप अपने पास जो है ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा का जो है कैश आप नहीं रख सकते ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स आप लगा करके उस इनहरंट रिस्क को जो है कम करने की आप यहां पे कोशिश कर सकते हैं तो इनहरंट रिस्क क्या होता है इनहरंट रिस्क इज देखिए थोड़ा इसको ऐसे पढ़ के देखिए इनहर रिस्क इज बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल्स अगर एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल नहीं होते तो तो कई सारी गड़बड़ियां होने के चांसेस हैं उन्हीं कई सारी गड़बड़ियों को हम क्या कह देते हैं इनहरंट रिस्क कह देते हैं तो फिर कंट्रोल रिस्क क्या हुआ इनहरेंट रिस्क को कम करने के लिए हमने जो जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बावजूद भी आप कुछ फ्रॉड्स और एरर्स को नहीं रोक पाते वो आपका कंट्रोल रिस्क कहलाता है अब जैसे कुछ एग्जांपल्स यहां इन्होंने गिवन है पहला है कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहर रिस्क जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी है एक एंटिटी के लिए एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है क्योंकि सभी एंटिटीज को हो सकता है कि उतनी अच्छे से नॉलेज नहीं होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बट एक नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो एज एन ऑडिटर आप क्या आप सोचोगे कि यार ये एंटिटी है इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज तो नहीं है तो यानी कि ये लोग जो है उस जो भी अमाउंट के ट्रीटमेंट में उसके डिस्कलोजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर करेंगे तो यह इनहरंट रिस्क है क्यों ये रिस्क है क्योंकि द एंटिटी इज अन अवेयर अबाउट दिस न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है इसको इसको ठीक कम करने के चांसेस इसको तो फिर अगर ये रिस्क अराइज हो रहा है इसको कैसे ठीक करोगे इंटरनल कंट्रोल्स लगा दो आप कुछ एक्सपर्ट्स का जो है आप मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि भाई आप किसी एक्सपर्ट से सजेशन लेकर के एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करिए सो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनहेरेंट रिस्क फॉर एग्जांपल

कई बार इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा होता है एंटिटी का नेचर है या फिर नेचर ऑफ द बैलेंस इट जो भी अमाउंट है उसका नेचर ही ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री इज इनहर रिस्की इन्वेंट्री हमेशा रिस्की होता है इफ इट क्विकली बिकम्स ऑप्सोलिट ऑब्सोलिट यानी कि वो इन्वेंट्री जो जल्दी से खराब होने के जिसके चांसेस होते हैं तो ऐसे में उसको आप वैल्यू कैसे करोगे क्योंकि जैसे 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 मान लो कोई ऐसी खाने की चीजें हैं एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जाएगा उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कम हो जाएगी तो हर बार आपको जो है क्योंकि एज पर आई एस ए टू इनवेंट्रीज आपको क्या करना पड़ता है इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे विच एवर इज लेसर यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट जो दोनों में जो कम होगा उस पर अब यहां पे कॉस्ट तो एक है एनआरवी दिन ब दिन कम होती जा रही है तो चांसेस हैं कि एनआरवी कम तो हो गई बट आप एनआरवी पे नहीं शो कर रहे हैं कॉस्ट पे शो कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे इनहेरेंट रिस्क हैं जो हमेशा यहां पर गड़बड़ियां होने के चांसेस हैं अच्छा तो इसको कम कैसे करेंगे तो इसके लिए आप एक एक्सपोर्ट को बिठा दो जो डेली बेसिस पर कंटिन्यूस बेसिस पर जो है इन सभी चीजों को मेजर करे और प्रॉपरली इन्वेंट्री को वैल्यू करता रहे तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देख लिया इनहरेंट रिस्क क्या होता है अब हम बात करते हैं कंट्रोल रिस्क की व्हाट इज कंट्रोल रिस्क इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बाद भी अगर आप फ्रॉड और एरर को नहीं रोक पाते हैं देन इट इज कॉल्ड द कंट्रोल रिस्क पढ़ के देखिए कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अटेटमेंट दैट कुड अकर एंड दैट कुड बी मटीरियल कंट्रोल रिस्क है कि भाई मिस स्टेटमेंट होगा और वह मिस्टेटमेंट बड़ा होगा

बट मैनेजमेंट उसको फॉलो नहीं करता है कल्चर ही नहीं है मैनेजमेंट ही बेईमान है जब चाहे इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड करते हैं तब वहां पे कंट्रोल रिस्क ज्यादा होने के चांसेस होते हैं कंट्रोल रिस्क में बी हाई आइदर बिकॉज द डिजाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इनसफिशिएंट कंट्रोल रिस्क ज्यादा हो सकता है क्योंकि कंट्रोल रिस्क सिस्टम जो बनाया गया है वो डिजाइन ही ठीक नहीं है मतलब

डिटेक्शन डिटेक्शन रिस्क रिस्क मैंने आपको पहले क्या समझाया था जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है किसी फ्रॉड को पकड़ने के लिए बट वो परफॉर्म्ड बाई द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट अटमेंट दैट एग्जिस्ट जिससे कि वो मिस्टेटमेंट को पकड़ नहीं पाता डिटेक्ट नहीं कर पाता एंड दैट कुड बी मटीरियल और वो स्टेटमेंट मटीरियल है यानी कि बड़ा अमाउंट है Now, अब ये जो डिटेक्शन रिस्क है स्टूडेंट्स ये दो प्रकार से है एक है सैंपलिंग रिस्क हम बोल सकते हैं और दूसरा हम बोल सकते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क डिटेक्शन रिस्क में दो चीजें आ जाती हैं वन इज सैंपलिंग रिस्क और दूसरा है नॉन नॉन सैंपलिंग रिस्क अच्छा ये सैंपलिंग रिस्क क्या होता है इसको मैं अगेन आपको एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूं व्हाट इज दिस सैंपलिंग रिस्क जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप ऑडिटर हैं आप एक दुकान जाते हैं मान लेते हैं आप ये राइस एक चावल की बोरी है स्टूडेंट इसमें खूब सारे चावल पूरी बोरी जो है चावल से भरी हुई है ठीक है ना मैं सैंपलिंग रिस्क बता रहा हूं तो ऑडिटर जो है इस चावल की बोरी का ऑडिट करने गया ऑडिटर यहां पर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है कैसा प्रोसीजर लगा रहा है यहां पर ऑडिटर सैंपल ले रहा है ऑडिटर ने एक सैंपल ले लिया सैंपल लिए यानी कि एक मुट्ठी में चावल ले लिया और देखा कि भाई क्या ये चावल पूरे हैं टूटे चावल तो नहीं है क्या इसमें कोई कंकर या पत्थर तो नहीं है छोटे मोटे जो भी होते हैं वो तो नहीं है तो ऑडिटर ने जब सैंपल लिया तो सैंपल में एक भी गलती नहीं है मतलब एक भी कंकड़ या पत्थर कुछ भी नहीं है तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि भाई सैंपल बिल्कुल बढ़िया है मतलब ये पूरा का पूरा चावल का बोरी जो है ये बढ़िया है बट ध्यान दो तो बच्चों हो सकता है कि सारे कंकर नीचे डाल रखे हो सारे के सारे कंकर इन्होंने नीचे डाल रखे हो तो यानी के यहां पर ऑडिटर ने जो सैंपल उठाया है वो सैंपल ठीक नहीं था सैंपल को उठाने से पहले आपको क्या करना चाहिए था इस पूरे चावल को ऐसे से 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 मिला देते देखो ये एग्जाम्पल सिंपल है ये आने वाले सेशन में बहुत काम आएगा आपको यानी कि यहां पर जो सैंपल मैंने उठाया है दिस सैंपल इज नॉट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन सैंपल जो ऑडिटर ने लिया है यह पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि भाई नीचे तो पत्थर है सारे के सारे ऊपर ही चावल है तो मैंने सिर्फ चावल उठाए हैं पत्थर पत्थर तो तो मैंने उठाया ही नहीं अगर पत्थर भी उठाने तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरे को अच्छे से मिक्स कर दीजिए फिर मैं सैंपल उठाऊंगा फिर उसमें पत्थर भी मिलेंगे और चावल भी मिलेगा देन दैट सैंपल विल बी द दोप्रिएट सैंपल टू द पॉपुलेशन तो जब सैंपल मैं गलत चुन लू तो फिर जो मेरा uh, जो मेरा कंक्लूजन है एविडेंस है वो फिर वो भी गलत हो जाएगा अब पढ़ के देखिए सैंपलिंग रिस्क सैंपलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑडिटर ने सैंपल के आधार पर जो कंक्लूजन निकाला था ऑडिटर ने क्या कंक्लूजन निकाला था कि चावल बिल्कुल ठीक है इज डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन दैट वुड बी रीच्ड होल पॉपुलेशन वॉज टेस्टेड अगर यहां पर ऑडिटर सैंपल को टेस्ट ना करके पूरा एक एक दाना चेक करता तब ऑडिटर का ओपिनियन कुछ और होता तो स्टूडेंट्स यही होता है सैंपलिंग रिस्क द सैंपल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज चूजन यानी कि जो सैंपल आपने लिया है वो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो उस पॉपुलेशन के बारे में ठीक से जानकारी आपको नहीं देता है तो ये हो गया सैंपलिंग रिस्क नाउ जब हम नॉन सैंपलिंग रिस्क की बात करते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन इज इन अप्रोप्रिएट ऑडिटर्स कंक्लूजन इज इन अप्रोप्रिएट फॉर एनी अदर रीजन एग्जाम्पल द एप्लीकेशन ऑफ इन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स और फेलियर टू रिकॉग्नाइज अ मिसस्टेटमेंट यानी कि यहां पे नॉन सैंपलिंग सैंपलिंग को छोड़कर के किसी और कारण से अगर आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो जैसे कि आपने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाया वो सही नहीं था जैसे मान लीजिए आपको डेटर का बैलेंस आपको पता करना चाहिए था जब मतलब जब आपका ऑब्जेक्टिव था कि मैं जाकर के डेटर का बैलेंस पता करूं तो आपने डायरेक्टली जाकर के एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं लिया इनसेट आपने जाकर के मैनेजमेंट से पूछ लिया तो यहां पर जो है इन प्रोसीजर हो गया इससे आप फ्रॉड को नहीं पकड़ पाए यानी कि सैम्पलिंग रिस्क को छोड़ करके जो बाकी जो रिस्क है दैट इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग रिस्क तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इसको यहीं तक करेंगे हमने सारे जो रिस्क हैं, हमने पढ़ लिए ऑडिट रिस्क देन रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इनहरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क तो आई होप आपको क्लास समझ में आई है तो यहां तक आप इसको रिवाइज करिए बाकी नेक्स्ट सेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा टिल देन हैव ए नाइस डे